Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 8th with chapter 4 cube and cube roots. And we had already done question number 1 to 8 of exercise 4.2. Now we are gonna start a new question number 9. Fine. So, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है. टू नंबर्स आर इन द रेशियो. दो नंबर्स हैं, किस रेशियो में दे रखे हैं दोनों नंबर्स. 4:5. ठीक है, ये रेशियो गिवन है. इफ द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स इज 61. देखो जो भी गिवन है ना, एज इट इज लिख देती हूँ मैं. तो हमें गिवन है डिफरेंस ऑफ किसका, क्यूब्स. ठीक है, उनके क्यूब्स का वो क्या है, 61. ठीक है, फाइंड द नंबर्स. हमें क्या करना है, हमें नंबर्स को फाइंड आउट करना है. ठीक है जी, तो जो गिवन है हम उसका यूज करेंगे. देखिए रेशियो गिवन है, तो रेशियो से ना हम नंबर्स निकाल सकते हैं. कैसे, अभी मैंने 8th क्वेश्चन जो कराया था ना पिछली वीडियो में, उसमें भी मैंने आपको समझाया था सेम ऐसे ही रेशियो गिवन था. तो रेशियो से जब नंबर निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, किसी एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो देखिए 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे x से, तो नंबर 1 क्या आ गया 4x, और नंबर 2 क्या आ जाएगा सेम ऐसे ही 5x. ठीक है, सेम वेरिएबल से करना है, अलग अलग से नहीं कर सकते. तो देखिए 4x और 5x क्या आ गए, हमारे दोनों नंबर्स. अब इसने क्या कहा, डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, उन दोनों के क्यूब्स का डिफरेंस. अब देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ बड़ा नंबर कौन सा बनेगा, 4x या 5x. 5x बड़ा होगा, सीधी से है ना, दिख रहा है. तो फिर इनका डिफरेंस, अब बड़े वाले में से छोटे को ही तो माइनस करेंगे. ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, और कैसे माइनस करना है, क्यूब निकाल के. तो मैं यहां से क्या कर रही हूं, मैं लिख देती हूं अकॉर्डिंग टू कंडीशन. ठीक है, ये लाइन समझना, मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू कंडीशन. अब कंडीशन कौन सी, 1, इसको 1 नाम दे देते हैं. तो ये क्या है, हमारी कंडीशन 1. अब कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग क्या कहता है, ये डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स, इनके क्यूब का डिफरेंस. तो इसका क्यूब निकाल लें, यानी कि 5x का क्यूब, फिर माइनस, किसको माइनस करना है, नंबर 1 को, यानी कि नंबर 1 का क्यूब. ठीक है, और आंसर क्या आएगा, 61. समझ आ गया यहां तक सबको. अब इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, क्यूब कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके. तो 5x का क्यूब निकालना है, तो 5x मल्टीप्लाई 5x मल्टीप्लाई में 5x. अब देखो कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई होंगे पहले, तो 5 को 5 से करेंगे 25, फिर से 5 से करेंगे तो 125. और x हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सेम वेरिएबल को, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो x की पावर क्या आ जाएगी, 3. तो यहाँ पे क्या बनेगा, लिख देती हूँ मैं इसको, 125x क्यूब माइनस. ठीक है, अब देखो 4x क्यूब है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 लिखा जाएगा हर जगह, तो 4 जा 16, 16 4 जा 64, और साथ में क्या आ जाएगा, x क्यूब, इधर क्या बचेगा, 61. ठीक है हमारा. अब देखिए 125x क्यूब, ये 64x क्यूब, दोनों में x क्यूब दिख रहा है ना हमें, x क्यूब को बाहर निकाल दो. देखो यहाँ से क्या बचा, ये तो चला गया, क्या बचा 125 माइनस, ये चला गया क्या बचा 64, इधर क्या चल रहा है 61. 125 में से 64 को माइनस करेंगे क्या बचा 61, और साथ में क्या है इसके, x क्यूब, इधर क्या है 61. अब देखो 61 यहाँ भी है यहाँ भी है, कट गए दोनों आपस में, तो x क्यूब इधर कट के क्या बचेगा हमारा 1. ठीक है, अब x क्यूब का आंसर क्या है 1, हमें क्या निकालना है यहाँ से x की वैल्यू. तो मैंने बताया था पावर यहाँ पे 3 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगी 1/3, तो 1 की पावर 1/3, और वो क्या आ जाएगा हमारा 1, यानी कि जो x है हमारा वो क्या आ गया 1 आ गया. अगर x हमारा 1 है तो यहाँ से हम नंबर 1 और नंबर 2 में वैल्यू पुट कर दें, तो देखिए नंबर 1 कैसे निकलेगा हमारा 4x, यानी कि 4 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू क्या है 1, 4 मल्टीप्लाई 1 क्या हो गया 4. नंबर 2 निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा हमारा 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 5 बन जा 5. ठीक है, तो दोनों नंबर्स हमारे क्या आ गए 4 और 5, डन. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट क्यूब्स इज 387. इसने हमसे ये कहा कि दो परफेक्ट क्यूब्स का डिफरेंस दे रखा है कितना, 387. ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले डिफरेंस लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में. डिफरेंस क्या गिवन है, 387. ठीक है, फिर इसने कहा इफ द क्यूब रूट ऑफ द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स इज 8, कि जो ग्रेटर वाला नंबर है ना, यहाँ पे इसने क्या कहा था कि दो परफेक्ट क्यूब्स का क्या है, ये डिफरेंस है. ठीक है, डिफरेंस किसका है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ब्रैकेट में, समझ में आ जाएगा, परफेक्ट क्यूब्स का. ठीक है, परफेक्ट क्यूब्स का डिफरेंस. अब इसने क्या कहा हमसे कि क्यूब रूट ऑफ द ग्रेटर नंबर, अब दो परफेक्ट क्यूब हैं, तो बड़े वाले परफेक्ट क्यूब का जो क्यूब रूट बनेगा वो हमें गिवन है. तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ग्रेटर क्यूब रूट. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ ग्रेटर क्यूब रूट क्या दे रखा है हमें, 8. ठीक है, अब इसने कहा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द स्मॉलर नंबर. अब जो छोटे वाला नंबर है ना, हमें उसका क्या निकालना है, हमें उसका क्यूब रूट निकालना है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें
ऐसे दे रखा है, समझ के चलो थोड़ा सा मैं आपको देखो एक बार समझा देती हूँ अच्छे से। दो नंबर्स दे रखे हैं ना हमें, दोनों का परफेक्ट क्यूब का डिफरेंस ये दे रखा है, ठीक है। अब दो नंबर कौन से हैं नहीं पता, तो क्या कर लें, सपोज कर लें। तो सपोज करिए, लेट अस सपोज, जब भी आपको कुछ नहीं पता तो आप सपोज कर लिया करो, लेट अस सपोज दैट, क्या सपोज कर लेते हैं, द टू नंबर्स आर, दो नंबर्स हैं कौन कौन से, ए एंड बी, ठीक है। ये कौन से नंबर हैं जिनके क्यूब का डिफरेंस ये है, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देती हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, मैं लिख रही हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब कंडीशन कौन सी है, वन, कंडीशन वन मैंने ये मान ली, ठीक है। अब देखो कंडीशन वन क्या कहती है, कि दोनों के परफेक्ट क्यूब का डिफरेंस ये दे रखा है। तो मैं यहां से देखो क्या करती हूँ, मान लो बी मैंने बड़ा ले लिया, तो बी क्यूब में से किसको माइनस कर दो, ए क्यूब को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 387। ये तो कंडीशन कहती थी। अब देखो इसने क्या कहा, अब मैंने बी में से सब्ट्रैक्ट किया तो बड़ा कौन सा हो गया, बी। अब इसने क्या कहा कि जो ग्रेटर वाला है ना उसका क्यूब रूट क्या बनेगा, 8 बनेगा। अब क्यूब रूट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो b नंबर है वो b क्यूब का क्या है, क्यूब रूट ही तो है, समझ आ रहा है सबको। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 4 का क्यूब, ठीक है। अब 4 का क्यूब क्या होता है, 64। तो जब वापस से जाके मैं 64 का क्यूब रूट निकालूंगी तो वो क्या हो जाएगा, वो 4 ही तो बनेगा। कैसे, देखो दोबारा से समझाती हूँ, 4 का क्यूब क्या है हमारा, 64 होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ये आंसर निकालना चाहूँ मेरा, ये 4 कैसे आया, तो ये जो 3 है पावर, ये वहां पे जाके क्या हो जाएगी, 1/3। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 64 की पावर 1/3, ये किसके इक्वल है, ये हमारा 4 के इक्वल है, लिख सकते हैं ना हम इसको, ठीक है। तो 64 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है, क्यूब रूट, यानी कि जिस नंबर का हमें क्यूब दे रखा है, अगर मुझे ये 3 पावर यहाँ से हटानी, तो दूसरी साइड जाके क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और उस क्यूब रूट का आंसर क्या आएगा, यही नंबर। सेम यहाँ पे बात है, ये हमारा बी का क्यूब है, मुझे यहाँ से बी निकालना है, मतलब सॉरी बी नहीं, मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट क्या बनेगा, बी। और वो बी, वो जो बी है वो क्या दे रखा है इसने हमें, 8, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं बी क्या गिवन है हमें, 8 गिवन है, तो वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। तो देखिए बी की वैल्यू पुट करेंगे तो 8 का क्यूब माइनस ए क्यूब तो एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में 387 भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेती हूँ मैं ए की, तो कैसे निकलेगा देखिए, माइनस ए क्यूब तो एज इट इज, ये 387 है ही, ये 8 का क्यूब यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो 387 तो एज इट इज माइनस, 8 का क्यूब कैसे निकालेंगे, क्यूब कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, उसको आपस में 3 बार मल्टीप्लाई करके, तो 8 का क्या होता है, 64, 64 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 512, ठीक है। ये मैंने माइनस करके देख लिया है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास ये है 387, ये है 512, 512 बड़ा है और इसके आगे माइनस का साइन है, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का, इतना समझ आ गया। अब माइनस करो, 12 में से 7 गया 5, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 3 गया 1, तो आंसर आया -125। इधर से क्या चल रहा है, माइनस का ए क्यूब, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब क्या बचा यहाँ से हमारा, ए क्यूब इक्वल्स टू 125। मुझे तो किसका आंसर चाहिए, मुझे तो यहाँ से ए का आंसर निकालना है। अब ए का आंसर कैसे निकलेगा, ये पावर यहाँ पे 3 है, दूसरी साइड जाके पावर क्या हो जाएगी, 1/3, और 1/3 पावर को ही हम क्या कहते हैं, क्यूब रूट, ठीक है जी, समझ आ गया सबको। और इसका क्यूब रूट कैसे निकलेगा, पेयर बना के, प्राइम पेयर कैसे बनेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से गया 25 पे, फिर से 5 से करेंगे 5 पे, फिर से 5 से करेंगे 1 पे, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ क्यूब रूट किसका, 125 का क्यूब रूट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, 5 × 5 × 5, ठीक है। अब देखो तीनों का पेयर बन गया हमारा, तो पेयर से एक नंबर बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, 5, तो मेरा ए जो है वो क्या आ गया मेरा, 5, ठीक है। यही हमें निकालना था कि जो दूसरा नंबर है हमारा उसका क्यूब रूट क्या बनेगा, तो जो हमारा छोटे वाला नंबर है वो क्या आ जाएगा हमारा, 5, समझ आ गया सबको, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, अच्छे से कर लेना इसको। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।